हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिसर। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और मैं भी आज ठीक हूँ। और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं जा रही थी, तो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे जो मेरे जानकार हैं, तो वो पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो मैं बता देती हूँ, मैं 20 दिन से बीमार चल रही हूँ, काफ़ी दिन से, मतलब 20 दिन से पहले की बीमार चल रही हूँ। तो मुझे हो रखा है टाइफाइड। टाइफाइड में पता है आपको बिल्कुल जो बॉडी की जान निकल जाती है और बुखार चढ़ता रहता है। तो बस मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और पता नहीं क्यों, किस वजह से, साइड इफ़ेक्ट वजह से, कैसे मेरे पूरे फेस पर स्वेलिंग आ चुकी थी। मेरी आँख जैसी सूज गया था, मेरा मुँह जैसे कि मधुमक्खी नहीं खा जाती है फेस को, तो मतलब वैसा हो गया था बिल्कुल सब कुछ मेरा, मतलब सूज गया था। मैं भी फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं कि मेरी हालत कितनी ख़राब हो चुकी थी। तो टाइफाइड में ना बस बिल्कुल हालत ख़राब होती, जान निकल जाती है बॉडी की। तो बस ऐसा मन करता था मेरा, मेरे रजाई में आँखें बंद करके सारा दिन पड़ी रहती थी। मुझे ये नहीं पता था मैं क्या क्या हो रहा है मेरे पास, आसपास क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। सारा काम बस हस्बैंड करते थे, बच्चे करते थे, बड़ी परेशानी हुई थी। तो अब थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ 2 दिन से, तो मैं थोड़ा घूम लेती हूँ। और जैसे मुझे आटा गूंथ के दे देते थे, मैं रोटी बना लेती हूँ बैठ के, और मैं कुछ काम नहीं करती। मुझे अलाव नहीं किया डॉक्टर ने अभी ठंडे पानी में हाथ देना या बाहर निकलना, तो अभी मैं इतना बाहर निकलती भी नहीं हूँ। जैसे धूप निकलती है मैं थोड़ा बहुत बाहर घूम लेती हूँ, बस घर का काम बच्चे कर लेते हैं थोड़े बहुत, जैसे बच्चे छोटे हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और बाकी सारा काम हस्बैंड करते हैं। मेरी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं हस्बैंड, और घर का काम भी हो जाता है, मैं सब काम भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरे हस्बैंड ने मेरी, और बहुत ज़्यादा केयर करी मेरी। तो बस ऐसे ही चल गया मेरा काम, और अब मैं 2 दिन से ठीक फील कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा बस घूम फिर लेती हूँ, अभी मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। तो बस कमेंट आ रहे थे कि सोचा चल थोड़े आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा छोटा सा वीडियो बना के डाल देती हूँ, और आपको पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, तो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे सब्जी, हरी सब्जी अलाउ कर रखा है, ज़्यादा खाना पेट भर के नहीं खाना है मुझे, तो बस यही मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और अब 2 दिन से मतलब पेट भर लेती हूँ, अच्छे से खा लेती हूँ खाना, और बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है बहुत अब। तो बस यही है, दवाई चल रही है मेरी, अभी चलेंगी 10 दिन और चलेंगी मेरी दवाई, तो उसके बाद फिर बार चेक होगा, फिर पता चलेगा कि ये दाना वाना बता है वो अच्छे से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आई विश मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, और जो भी काम हस्बैंड कर रहे हैं सारा मैं करूँ, बहुत ज़्यादा काम कर लिया उन्होंने। तो बस यही था रीज़न कि मेरी वीडियो ना आने का, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा था, और टाइफाइड जिसके भी होगा उसको समझ जाएगा कितनी बिल्कुल मतलब जान निकाल के रख देता है शरीर की। तो काफ़ी वीकनेस हो रही है मेरे अंदर। तो बस चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर क्या खा रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ और बाहर मुझे अलाउ नहीं है क्योंकि ठंड हो चुकी है। तो मैं अब जाती हूँ अंदर, और आप मेरी वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी मेरी। तो ये फ़ोटो स्टार्टिंग की है, तो देख सकते हैं कितना स्वेलिंग आ चुका है मेरे मुंह पे, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ये स्टार्टिंग की है, और बीच में तो मेरी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, बिल्कुल भी खाट से उठने की हिम्मत नहीं थी मेरी, इतनी तबीयत ख़राब थी। और ये है मेरा खाना, चाय साथ में बिना घी की रोटी, ये तोरी की सब्ज़ी, हस्बैंड को थोड़ा ऐसे आता है तो थोड़ा तेल ज़्यादा डाल रखा है इसमें, अदरवाइज़ ठीक है ये। अभी भी मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल हो रखे हैं, और ये देखिए धुंध है, मैं नीचे हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा धुंध है। अभी भी दिन के 10 बज चुके हैं, और आज का मौसम कुछ इस तरह का है जो कि बादल हो रखे हैं। और देखिए सारा काम पड़ा है, क्योंकि मैं मुझसे नहीं होता है काम, तो जो ये बाखर है, दलिया वगैरह, वो सब कुछ हस्बैंड ने किया है, पानी उधर गर हस्बैंड ने किया है, और ये इधर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तब हम लोग सारे, मैं तो खैर क्या करूँगी, अगर धूप निकलेगी तो मैं बाहर आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं आऊँगी। तो ये लोग, वो लोग सारा साफ़ करेंगे इसको आके, और अंदर का सारा काम निपटा चुके हैं वो, सुबह स्कूल जाने से पहले सारा काम कर देते हैं, जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है सारी निपटा देते हैं।